नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को आप लोग नहीं दबाते हैं इसी कारण से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, कमेंट आए कि 50 मार्क्स हिंदी को जारी किया जाए एक बार फिर से, तो मैं उसी 50 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर लेकर के आपके पास आया हूँ, हिमालय का संदेश। और ये चैप्टर लिखा हुआ है जानते हैं ना किसके द्वारा, ये चैप्टर लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह पहले जानते हैं कि आखिरकार में कौन थे रामधारी सिंह दिनकर और कब हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर को 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, और इनकी मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल को। आया समझ में। चलिए आगे जानते हैं इनका जन्म, आगे इनके बारे में, आखिरकार में इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ। तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में, ठीक है ना। बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और उसी में एक गांव है सिमरिया, सिमरिया पढ़ लीजिए इसको, सिमरिया, ठीक है। तो उसी सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनके द्वारा लिखित पुरस्कारों की बात की जाए, नहीं सो सॉरी, इनके इनको मिले हुए पुरस्कारों की बात की जाए, कौन कौन से पुरस्कार इनको मिला, तो इनको मिला साहित्य एकेडमी पुरस्कार, पद्म भूषण और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है इनको मिले। अगर रचना की बात की जाए कि कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी, कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी, तो उसमें रश्मि रथी और उर्वशी, ये तो फेमस रचनाएं थी इनकी, उर्वशी जो है और रश्मि रथी। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे मिट्टी की ओर, कुरुक्षेत्र और भी बहुत सारे, ठीक है, आपके बुक में दिया गया है 50 मार्क्स हिंदी का जो बुक है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कविता को, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि कविता किस विषय पे बनाई गई है। ये कविता जो कवि ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, इस कविता के लिखने का क्या उद्देश्य है। देखिए, इस कविता में दिनकर जी ने बताया है कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता ही नहीं है, मीन्स जो हमारा मैप है वर्ल्ड का, जो दुनिया का नक्शा है, भारत उस नक्शे पे विराजमान तो है ही, मीन्स भौगोलिक रूप से भारत नक्शे में तो है ही, लेकिन वास्तविक जो भारत है वो भारत में, समझिए वास्तविक भारत की अगर आप कल्पना करें तो वहाँ पे प्रेम और त्याग की भावना भरी पड़ी है। ये वास्तविक भारत जो है आपको मानचित्रों पे नहीं मिलेगा, आपको नक्शों पे नहीं मिलेगा, वास्तविक भारत में प्रेम और त्याग की भावना भरी पड़ी है। ये कैसे, आइए जानते हैं उनके कविता के द्वारा। देखिए, उनका कविता है वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। क्या मतलब हुआ इस कविता का, एक बार कंप्लेन आ गया आप ही लोगों में से किसी यूट्यूबर का कि आपने शायद भारत माता ग्रामवासिनी का या शायद जीवन संदेश का कोई दो पार्ट टू में मैंने जो है उसका हिंदी नहीं किया था, मैंने उसका हिंदी समझाया था लेकिन हिंदी जो है मैंने ऐसे लिखा नहीं था,
तो आप वहाँ उसको मैंने जो समझाया है उससे आप हिंदी बना सकते हैं, आप में ये काबिलियत होनी चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ बस आप उन बातों पे गौर कीजिए, आप में हिंदी बनाने की कला होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। वृथा मतलो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। हिमालय का ये जो संदेश कविता है उसी कविता से ये पंक्तियाँ जो हैं उद्धृत की गई हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, उद्धृत की गई हैं मीन्स ली गई हैं, ठीक है। उसी कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं जिसमें रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये पंक्तियाँ ये लिखी हुई है। अच्छा, द्वारा जो है ये लिखा तो ऐसे जाता है, ठीक है ना। ये द्वा में द में व की मात्रा और आकार की मात्रा, फिर र फिर अकार, तो ये है द्वारा। लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मुझको टाइप करने नहीं आता है तो मैं एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेता हूँ हिंदी को टाइप करने के लिए, और इस कारण से उसमें द्वारा मैंने बहुत बार लिखने की कोशिश की, ये मुझको नहीं हो पाया, ये द्वारा मुझसे नहीं लिखा पाया। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये पंक्तियाँ जो है हिमालय का संदेश कविता से उद्धृत है, मीन्स उस कविता से ली गई हैं और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें कवि क्या बताते हैं, कवि कहते हैं कि वृथा मतलो भारत का नाम, भारत का नाम वृथा में मतलो, बेकार में मतलो, मीन्स भारत का नाम जो है वो बेकार में लेकर के उसे बदनाम ना करें, क्योंकि मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। आप जो नक्शों में भारत को खोज रहे हो, भारत नक्शों में मिलने वाला नहीं है, वो तो भारत का मात्र एक भौगोलिक स्वरूप है। मानचित्र पर जो आपको भारत मिलता है वो बस भारत का एक भौगोलिक स्वरूप है, बाकी कुछ नहीं है। तो मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत जो है ये भू पर मिलने वाला नहीं है, धरती पे मिलने वाला देश नहीं है, ये भारत जो है ना ये लोगों के मनो में होने वाला एक देश है। और आप भी अगर भारत में रहते हो तो ये भारत आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है कवि कहते हैं कि भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। देखिए भारत जो है ये एक स्वप्न की तरह है, हम अपने स्वप्न में कुछ भी सोच जाते हैं। अब देखिए स्वप्न जो है, किसी ने शायद कहा था कि स्वप्न जो है वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए नींदें नहीं आती हैं। तो भारत जो है ये एक स्वप्न की तरह, एक सपने की तरह है, एक ऐसा सपना जो भू को, भू का मतलब होता है धरती, जो धरती को ऊपर ले जाने वाला है। ऊपर ले जाने वाले का मतलब क्या है, ये भारत के लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है। तो भारत एक सपने की तरह है, एक विचार की तरह है जो आपको उन्नति के मार्ग पे ले जा सकता है। इसलिए बेकार में नाम लेकर के भारत को बदनाम मत कीजिए। और आप जो नक्शों में ये भारत देख रहे हैं, ये भारत नक्शों में नहीं, नक्शों में तो वो है ही, वो उसका भौगोलिक रूप है, लेकिन ये आपके मन में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है पैराग्राफ हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत जो है हिमालय संदेश, वही सेम चीज मैंने कॉपी कर दिया यहां पे कि ये पंक्तियां हिमालय का संदेश कविता से उद्धृत मीन्स ली गई हैं तथा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कवि कि भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक भावना है, एक भाव है, और ये भावना जिसको समझ में आ जाती है ना, उसमें सद्बुद्धि आ जाती है, वो मनुष्य जग जाता है। जिसमें ये भारत वाली भावना आ जाती है
वो मनुष्य जग जाता है, उस मनुष्य में चेतना आ जाती है, उस मनुष्य में सद्बुद्धि आ जाती है। भारत एक जलज जिस पर कभी जल का दाग तक नहीं लगता है, और भारत के नाम में ही भारत है संज्ञा विराट की। संज्ञा समझ में आता है आप लोगों को ना, नाउन नाम। तो भारत एक ऐसा नाम है जिसमें वैराग्य छुपा हुआ है, और उज्जवल आत्म उदय की भारत के जो लोग हैं उन लोगों की आत्मा में उज्ज्वलता की भावना है, प्रकाशता की भावना है। कहता है कि भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। भारत जो है मनुष्य की सबसे बड़े विजय की आभा है। आभा का मतलब होता है चमक। तो भारत जो है मनुष्य के सबसे बड़े जीत का एक चमक है जो लोगों में सद्बुद्धि और ज्ञान भर देता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका कहता है कि भारत है भावना दाह। भारत जो है एक भावना की तरह है, और इस भावना में क्या है, जग जीवन को हरने की। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। भारत क्या है, भारत जो है एक भावना की तरह है, ठीक है ना। और इस भावना में क्या, इस भावना में संसार के जितने भी दुख हैं उन दुखों को दूर करने की क्षमता है। मीन्स भारत एक भावना है जो संसार के दुखों को दूर कर सकता है, और साथ ही साथ भारत एक कल्पना है जो मनुष्य को द्वेष से, सेम वही द्वेष जो है यहाँ द में ये व आ जाएगा आपका, और इसके बाद ये ऐकार की मात्रा और फिर ये स, ठीक है। तो द्वेष ऐसे लिखा जाएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो भारत एक कल्पना की तरह है जो मनुष्य को द्वेष से मुक्त कर सकता है। द्वेष समझ में आता ही होगा आप लोगों को, जलन। भारत लोगों में जलन की जो भावना है वो उसको समाप्त कर देता है। भारत जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहां भारत जीवित भास्वर है। देखिए भारत जो है एक कल्पना की तरह है जो मनुष्य को द्वेष से मुक्त कर सकता है, और भारत हमें उसी जगह पे मिलेगा। देखिए कहते हैं यहाँ पे कभी कि एकता अखंडित जहां प्रेम का स्वर है, जहां पे एकता है, जिस जगह पे एकता है और जिस जगह पे अखंडता है, जहां प्रेम जो है भरा हुआ है, उसी जगह पे हमको भारत जो है वो मिल सकता है। बाकी अगर आप अखंडता में ही खोजोगे तो भारत आपको मिलेगा, एकता में ही खोजोगे तो भारत आपको मिलेगा, बाकी कहीं भारत आपको मिलने वाला नहीं है। जहां प्रेम होगा वहीं भारत जैसी भावना आप में आएगी, और ये वो भावना है जो संसार के दुखों को दूर कर सकती है और मनुष्य को द्वेष से मुक्ति दिला सकती है, जलन की भावना से मुक्ति दिला सकती है। एक लास्ट स्टेंजा हमारा बचा हुआ है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। भारत वहां जहां जीवन साधना नहीं है भ्रम में। देखिए भारत में भ्रम नहीं है, भारत के लोगों में भ्रम नहीं है। भ्रम समझ में आता है ना, भूल होता है शायद, भूल है ना, भूल। तो भारत के लोगों में वो भूल वाली कोई भावना नहीं है, कोई गलती वाली भावना नहीं है, भ्रम नहीं है यहाँ पे। भारत में जो जीवन है वो एक साधना की तरह है। धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। भारत में बहुत सारे चीजों का संगम है। कौन कौन से चीज भारत में मिले हुए हैं, मैंने अभी बताया कि भारत वही होगा जहां एकता होगा, प्रेम होगा, अखंडता होगा। तो मीन्स भारत में एकता, प्रेम और अखंडता का संगम है। जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम। भारत में जो लोग हैं उन लोगों में त्याग की भावना है, और भारत के लोगों में निष्काम की भावना है। निष्काम क्या होता है,
देखिए, बिना किसी कामना का किया हुआ काम, कामना समझ में आता है, इच्छा विश। तो बिना किसी कामना का इच्छा का किया हुआ काम उसी को कहते हैं निष्काम। भारत के लोगों में, भारत के लोग अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उनमें उस कोई इच्छा नहीं होती है कि नहीं मैं इसको हेल्प करूंगा तो मुझको ये चीज मिलेगा। तो जहां पे निष्काम की भावना है, जहां पे समरसता की भावना है, वहीं पे भारत जो है आपको मिल सकता है। तो इसलिए बेकार में भारत का नाम लेकर के बदनाम ना करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।